नमामि सद्गुरुं शांतम्। सच्चिदानंद विग्रहम् पूर्ण ब्रह्म परानंदम् ईशमानंदि वल्लभम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं ज्ञानेन योगेन च कर्मणा च भक्त्या च सर्वस्वसमर्पणेन आराधिताभ्यां श्रुतिमार्गदक्षैर् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। सुरासुरा सेवितपादपङ्कजा करे विराजत्कमनीयपुस्तका विधेश्च पत्नी कमलासनप्रिया सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतां स्मरामि। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वंदे नंदव्रज स्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतम् पुनाति भुवनत्रयम् माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीं यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। भगवति तव तीरे नीरमात्रा शनोऽहं विगत विषय तृष्णः कृष्णमाराधयामि। सकल कलुषभंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय तस्मात् त्वमुद्धवोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनां प्रवृत्तञ्च निवृत्तञ्च श्रोतव्यं श्रुतमेव च मामेकमेव शरणम्। आत्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्मभावेन मया स्याह्य कुतो भयः। अनंतकंद परमात्मा के ये अत्यंत दिव्य शब्द
इतने महत्वपूर्ण है कि हम चाहे सारे शास्त्रों को भूल जाए, इतने ही दो श्लोकों को याद रखें। और इसमें प्रभु ने भक्ति के भी हृदय भूत भगवती शरणागति का वर्णन किया। ईश्वर शरण जीवन कैसे होता है, इसका आदर्श हम लोगों के सामने संत श्री गुलाब राव महाराज ने खड़ा किया। उनका संपूर्ण जीवन ही केवल भक्ति की प्रतिष्ठा के लिए है, भारतीय संस्कृति की प्रतिष्ठा के लिए है, लेकिन भक्ति और भारतीय संस्कृति इन सब के मूल अधिष्ठान तो श्री भगवान है। और इसलिए श्री महाराज को भगवान के बिना कुछ भी सुहाता नहीं। यह भगवत्ता, यह भगवत भाव, यह भगवत श्रद्धा हम लोगों के जीवन के अंग प्रत्यंग में समा जानी चाहिए। इसलिए उन्होंने सभी प्रकार के उपक्रम किए। बुद्धि के स्तर पर ये सारी बातें हमारी बुद्धि में बैठ जाए, इसीलिए उन्होंने तर्कपूर्ण ग्रंथों का प्रणयन किया। यरस हमारी भाव भावनाओं में स्थिर हो जाए, इसलिए कोमलकांत काव्य पदावली का सृजन किया। और यह भगवत भाव हमारे लिए जीवन व्यापी हो जाए, इसलिए उत्सवों का आयोजन भी किया। किस प्रकार श्री महाराज जन्माष्टमी के उत्सव को मनाते थे, इसका कुछ अवलोकन हम लोगों ने किया। और यह अवलोकन केवल हम लोगों ने श्रवण के माध्यम से नहीं किया, तो कुछ मात्रा में श्री महाराज के उस भाव में सहभागी होने का प्रयास भी किया, उत्सव ही मनाया। किसी भी दृष्टि से उनका जीवन एकांगी नहीं है। जन्माष्टमी का उत्सव भी वे हम लोगों की तरह थोड़े में शॉर्ट में मना करके उत्सव मनाने की बात को केवल पूर्ण नहीं कर देना चाहते, तो इस उत्सव को उन्होंने 9 दिनों का बनाया। श्री कृष्ण नवरात्रि, यह शब्द भी आप लोगों ने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, शारदीय नवरात्रि सुना है, वासंतिक नवरात्रि सुना है, शक्ति की उपासना करने वाले गुप्त नवरात्रि को भी जानते हैं, लेकिन यह श्री कृष्ण नवरात्रि है। प्रतिपदा से आरंभ करके नवमी तक ये उत्सव, अष्टमी को भगवान का जन्म, नवमी को नंदोत्सव करके उसका पारणा। भगवान के लिए तो श्री कृष्ण सर्वस्व है, श्री महाराज के लिए तो भगवान श्री कृष्ण सर्वस्व है। जन्मोत्सव तक का हम लोगों ने देखा, जन्म होने के पश्चात उत्सव तो हम लोग भी मनाते हैं जी, मध्यरात्रि में जन्म हुआ, उसके पश्चात आरती हुई, उसके पश्चात प्रसाद हुआ, कुछ लोग दिन भर उपवास भी करते हैं तो उनका भोजन भी कर लेते हैं, और उसके पश्चात शयन,
श्री महाराज का उत्सव ऐसा नहीं था। भगवान के जन्म से लेकर के नवमी के पारणा तक पूर्ण जागरण ही जागरण होता था और ये सारा उत्सव ते वेळी गुलाल उधळणे साऱ्या देवी साखर पाणे जन्माध्याय वाचणे भागवता तील ते वेळी शकुन घागरी ठेवून दोघी सांगती जाऊन पुत्र झाला म्हणून वार्ता आनंदाची नंदाला। नंद बाबा बनने वाले के पास जाकर के भगवान के जन्म की सूचना भी कैसे दी जाए, इसकी श्री महाराज ने पद्धति निर्मित की है। और उसके पश्चात नंद बाबा आह्लादित होकर के सबको बुलाने के लिए आज्ञा प्रदान करते हैं। लोग आकर के उत्सव का आरंभ तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले महाराज वहां पर पहुंच जाते हैं। आश्चर्य की बात है, महाराज गणिका बनकर के जाते हैं। थोड़ा सा पुराना जमाना याद करो, हमारे समाज में कुछ नर्तकियां होती थी नाचने वाली, समय समय पर नृत्य आदि करना, बधाई लेना आदि। महाराज स्वयं न नंद बाबा बनते हैं, न यशोदा मैया बनते, नर्तकी बनते। महाराजांचे वेश्या होणे, मैं तो नंद बाबा के द्वार की एक नर्तकी हूं, क्यों महाराज ऐसा करते हैं? भक्ति में जब तक लज्जा का त्याग नहीं होता तब तक भक्ति पूरी नहीं होती, यह सिद्धांत है, ध्यान रखना। श्रीमद् भागवत में भी यह वर्णन किया गया, लोक बाह्या, कुछ लोग मर्यादा में रह करके भक्ति करते हैं, जिनके भीतर अत्यंत विलक्षण भक्ति की ऊर्मी होती है वे इन मर्यादाओं में रह नहीं सकते। लज्जा घृणा आदि जीव के पाश है, ये पाश अष्ट है। पाशबद्ध सदा जीव, पाश मुक्त सदा शिव। इन पाशों से मुक्त हुए बिना भक्ति की परमावधि नहीं होती। ये पाश कैसे हैं और कैसे इनको दूर करने के लिए क्या क्या किया जाता है, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव का जीवन जब हम देखेंगे तो इसका थोड़ा सा विचार और करेंगे, क्योंकि यह विषय ठाकुर ने अत्यंत विस्तार के साथ रखा। हम लोगों को तो ऐसी शर्म आती है कि ठाकुर को साष्टांग वंदन करना है तो कोई देख तो नहीं लेगा, एक बात, मेरे कपड़े का क्रीज बिगड़ तो नहीं जाएगा, दूसरी बात, कहीं धूल मेरे कपड़े में लग तो नहीं जाएगी, तीसरी बात, ये सारी बातें रख करके भाव खिलता नहीं। भाव तब खिलता है जब मनुष्य सारी मर्यादाओं को तोड़ देता है, वे अपने आप टूट जाती है। इसी को शिवल्लभाचार्य महाराज स्वयं पुष्टि भक्ति कहते, वे कहते मर्यादा में रह करके सब नहीं होता,
एक समय ऐसा आता है जहां भगवान के और मेरे बीच की दूरी समाप्त हो गई और मेरा संसार के साथ संबंध ही टूट गया। Who cares for you? हमें इस प्रकार का विचार संसार के लिए कभी आता नहीं। वो आता नहीं इसका अर्थ ही एक पाश हमारे बचा है। ऐसा किसी को दिखाने के लिए करने की आवश्यकता नहीं है, फिर वो ढोंग हो जाएगा। लेकिन ऊर में अंदर की इतनी होती है कि किसी की परवाह करने की इच्छा ही नहीं होती। गोपियों ने किसकी परवाह की, प्रहलाद जी ने किसकी परवाह की, ईश्वर के अस्तित्व में और ईश्वर के हमारे साथ के संबंध में यदि हमारा गहरा विश्वास है और अनुभूति है, तब जो होगा होगा। मीराबाई ने किसकी परवाह की बोलो, लोग कहे कुल नासी रे, सब प्रकार की आलोचना। मर्यादा में रहकर के भी भक्ति होती है, लेकिन मर्यादा में रहकर के सर्वोच्च भक्ति हो ही नहीं सकती है। थोड़ा सा, थोड़ी विवेक से सुनिए बात, थोड़ा सा भगवत गीता की भक्ति में और भागवत की भक्ति में अंतर करना हो तो भगवत गीता की भक्ति विवेक के ऊपर अधिष्ठित है और श्रीमद् भागवत की भक्ति में यह विवेक भगवान के आवेग में मिल जाता है। और इसलिए श्रीमद् भागवत का एक शब्द है, अपना स्वयं का शब्द है, तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। तीव्र भक्ति, भक्ति की तीव्रता जन्म जन्मांतर के अंतर को क्षणों में समाप्त करती है। धीरे धीरे हम लोग एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते सातवीं मंजिल पर पहुंच ही जाते हैं, लेकिन जो एकदम फास्ट लिफ्ट में बैठ गया वो कैसे पहुंचेगा? वो तो पहुंच गया। जिन अनुभूतियों को प्राप्त करने के लिए वास्तव में कितने ही जन्म लगने चाहिए, वे सारी अनुभूतियां हम लोगों को भगवती मीराबाई के जीवन में यूं यूं दिखती हैं। वे सारे अनुभव ठाकुर के जीवन में, रामकृष्ण परमहंस देव के जीवन में इतने सरल और इतनी सहजता से दिख जाते हैं, आश्चर्य हो। एक ही बात है, दे केयर फॉर नन एंड वी केयर फॉर ऑल। इसको क्या लगेगा भाई, उसको क्या लगेगा भाई, उसको क्या लगा रहे, आगड़ो ही बढ़, जिसको जो लगना है लगता रहे। देखो यही शब्द अपने अंतकरण में होने चाहिए, तभी जाकर के ये भाव खिलेगा। आप ऐसे करना मत, ये करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, लेकिन जिनके जीवन में हो गया उनका वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि ये बातें कहने से नहीं होती है, ये जब होती है तो अपने आप ही होती है, और कहने से होती है तो ढोंग होता है। इट ब्लूम्स, वो अपने आप भीतर से खिलता है। गंगा जी मर्यादा में जब बहती है दोनों कुलों को, दोनों तटों को संभालती हुई बहती है, लेकिन वही गंगा जी जब
आवेग में आ जाती है, तो जिस प्रकार अपने तटों पर जो कुछ था वो इमारतों को भी ढहाते हुए बहा करके ले जाती है, भक्ति के आवेग में वही होता है। और ऐसे लोगों की नैतिकता का, ऐसे लोगों के कर्तव्य का, ऐसे लोगों के धर्मपालन का विचार हम जैसे तुच्छ लोगों के बुद्धि का विषय नहीं होता। हमारे पुणा के एक मूर्ख ने ऐसा लिखा है, वो मेरे शब्दों में ऐसे आ गया, लेकिन वो लिखने वाले बड़े लेखक अच्छे हैं, बुद्धिमान है। मूर्ख शब्द मेरे मुख में जो आया वो सकारण आया, कैसा कैसा लोग सोचते हैं। ठीक है भाई, रामकृष्ण देव को तो संसार नहीं करना था, नहीं करना था, उनको थोड़ा सा शारदा माता जी का विचार तो करना चाहिए था कि नहीं, फिर विवाहिकाई को करना चाहिए था, फिर उनके दोष है कि नहीं, ये मीन माइंडेड लोगों की चर्चाएं हैं। भक्ति के आवेग में स्वामी रामतीर्थ महाराज अपना परिवार त्याग करके चले गए, छह बालक थे उनके, मिलने से भी इनकार कर दिया। और आवेग इतना सत्य था, ढोंग नहीं था, आवेग इतना सत्य था, कृष्ण का दर्शन ऐसा था, गंगा जी के पात्र को देखते देखते उनको भगवत दर्शन होकर के गंगा जी में ही कूद गए, समाप्त हो गया जीवन। लज्जा, घृणा, जुगुप्सा आदि सभी भाव जीव को बांध करके रखते हैं। महाराज हमें वो स्तर सिखाते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करना है ना, तुच्छ से तुच्छ बन जाओ, हल्के से हल्के बन जाओ, कुछ भी बनने में कुछ मत मानो। मैंने नर्तकी शब्द का प्रयोग किया, वो अपनी मर्यादा से किया। महाराज का शब्द है, मैं तो नंद बाबा के आंगन में वेश्या बनकर के नृत्य करूंगी। महाराजांचे वेश्या होने, नंद द्वारी गाणी गाने, और वहां पर वो गीत गाते। भगवान के जन्मोत्सव की बात, नंदा ने नजराना देने ते वेड़ी महाराजांना, अपने घर के उत्सवों में बधाई गाने के लिए जो लोग आते हैं, उदार अंतकरण के लोग, उनको बधाइयां बांटते हैं, उपहार प्रदान करते हैं। गर्गाचार्यांचे नंतर्येणे बाणाचे मग जातक वर्तविणे, गर्गाचार्य महाराज फिर आते और फिर नंदराय आपके जो लाला हुए हैं उन लाला जी का भविष्य कैसा है। यह सारा प्रतिवर्ष होना, उसके पश्चात नंद बाबा अपने पुत्र के मुख का अवलोकन करते हैं। सुवर्णाचा अंगूठी ने बाड़ा ओठी मधरावणे, फिर नाम चतुष्टय करणे, कैसी भारतीय परंपरा है। सारे पुष्पों का सार है मधु, और सारे पृथ्वी तत्व में सबसे तेजस्वी तत्व है सुवर्ण। बालक के जन्म के साथ उसके मुख में सुवर्ण के माध्यम से सहज जाना चाहिए, सारे
पृथ्वी का सार हो गया। उसके जीवन की महान मंगलता, उसके जीवन की महान मंगलता के साथ साथ सबसे पहली बात यह है, उसके अंतरंग का स्वास्थ्य, और सबसे बड़ी बात उसकी ब्रेन सेल्स का पोषण। इसके पश्चात नाम चतुष्टय। अब लोगों को नाम चतुष्टय पता ही नहीं है। नामकरण संस्कार करते ही कौन है? मास नाम क्या है, नक्षत्र नाम क्या है, उसकी राशि का नाम क्या है, और फिर उसका नाम क्या है। कुल देवता का स्मरण करके भगवान का ये सब होता। चलो इसी में रम जाएंगे तो यहीं पर रमे रहेंगे भाई। उसके पश्चात श्री महाराज प्रवचन के लिए बैठते। भगवान के जन्म का प्रवचन होता और उसके पश्चात आनंद से पदों का गान होता। महाराज स्वयं पद गाते, सब लोग पद गाते, सभी के अंतकरण में एक ही भाव। नंद किया नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद 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 भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के 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 लाडली लाल की जय। सारे समूह को साथ में लेकर के श्री महाराज ने भगवान के जन्मोत्सव के इस उत्सव में प्राण भर दिए। जिस मंदिर में उत्सव नहीं होते उस मंदिर को मालिन्य आ जाता है, ध्यान रखना। नित्योत्सवैर मंदिरम, अपने हर घर की ठाकुरबाड़ी में उत्सव होने चाहिए, वो छोटे छोटे हो बस ठीक है। मुख्य उत्सव मंदिर का होना चाहिए, उत्सवों के लिए मंदिर है, उत्सवों से मंदिर है। जिस मंदिर में कर्मकांड नहीं, जिस मंदिर में उत्सव नहीं, जिस मंदिर में कथा कीर्तन प्रवचन नहीं, सेवा का कोई आयोजन नहीं, वहां के सारे न्यासियों को पाप लगता है, ध्यान रखना।
ऐसे स्थान में रहना ही नहीं। ठाकुर जी के उत्सव होने चाहिए। और ये सारे भाव श्री भगवान ग्रहण करते हैं। भक्ति भाव का साम्राज्य है। महाराज की विशेषता ये थी, सामान्यतया वैष्णव मंदिरों में भगवान नारायण के उत्सव चलते हैं, वहां शिवजी के उत्सव होते नहीं। जहां शिवजी के उत्सव होते हैं वहां विष्णु भगवान के उत्सव होते नहीं। जन्माष्टमी की महाराज की जब तैयारी इस प्रकार की चलती तो जैसे शिवरात्रि का उत्सव आता, ओहो वैसी की वैसी तैयारी। और शिवरात्रि का उत्सव महाराज 11 दिनों का करते हैं। शिव का अंक है एकादश, एकादश रुद्र। ये उत्सव 11 दिनों का होता और महाराज माघामदील मध्य पक्षात उत्सवाला हुई शुरुआत, श्री शिवरात्रिला समाप्त रात्र भर जागरणाने। जन्माष्टमी का जागरण करने के पश्चात नवमी को पारना, उसी प्रकार शिवरात्रि को संपूर्ण रात्रि का जागरण करके दूसरे दिन पारणा। इस प्रकार का यह एकादश दिनोत्सव होता था और उसमें भी श्री महाराज हरि आणि हराचा भेद नाही दोहोंचा तो एकाच सत्वाचा विग्रह द्विधा झालेला। एक ही सत्व का द्विधा विभाजन होकर के श्री हरि और हर बने, और इसलिए एक का द्वेष और दूसरे की भक्ति हो ही नहीं सकती। महाराज ने तो इसका इतना समन्वय किया है, इतना समन्वय किया है। वैसे भी दक्षिण भारत में ये सारी बातें तीव्र विग्रह की बातें बन जाती है, तीव्र मतभेद की बातें बन जाती है। महाराष्ट्र के लोग इन बातों को समझते नहीं। उत्तर भारत में भी यह कृपा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की है कि उनके रामचरितमानस के माध्यम से भगवान नारायण और भगवान शिव का भेद ही समाप्त हो गया। उत्तर भारत में धर्मरक्षा का अत्यंत बड़ा श्रेय वेद तुल्य ग्रंथ रामचरितमानस को जाता है, जिसमें गोस्वामी जी महाराज भगवान श्री राम और भगवान शिव इन दोनों को परस्पर की भक्ति करते हुए अनुभव करते हैं और लोगों के लिए प्रतिपादन करते हैं। भगवान श्री राम प्रभु रामेश्वरम श्रीलिंग की स्थापना करते हैं और भगवान शिव निरंतर राम नाम का जप करते हैं। भगवान शिव राम नाम का जप केवल करते नहीं, काशी में प्राण त्यागने वाले को राम नाम का उपदेश अंतिम क्षण में करते हैं। काश्यांत मरणान मुक्ति, ये जो सिद्धांत है, काशी में प्राण त्याग करने के लिए लोग आया करते आज भी। अत्यवस्थ होने के पश्चात काशी पहुंच जाते हैं, प्राण त्याग काशी में करते हैं। काशी आते आते प्राण चले गए तो अंतिम संस्कार काशी में करते हैं, या घर पर ही प्राण त्याग हो गया तो भी अनेक लोग काशी में संस्कार के लिए
मणिकर्णिका पर लाते हैं। ये बातें तो अपने आप अलग अलग हो गई, लेकिन जो काशी में प्राण त्याग कर रहा है उसके दक्षिण कर्ण में भगवान विश्वनाथ जिस मंत्र का उपदेश करते हैं वो मंत्र राम नाम है। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, 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 काशी मरत मुक्त करत कहत 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 राम नाम, राम 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 श्री राम राम राम, राम 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 श्री राम राम राम, राम 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 श्री राम राम राम, प्रेम मुदित मन से कहो 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 राम राम राम, राम 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 श्री 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 राम राम राम। कौन किसकी भक्ति करता है इसका क्या निर्णय करेंगे बोलो? अच्छा, इन बातों का अविश्वास करने का कोई हम लोगों के पास अवसर नहीं है। काशी गंडकी और अन्य शास्त्रों की बात भी एक और अभी रखिए। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव ने एक ही बार काशी यात्रा की। कोई भी यात्रा जो उन्होंने की एक बार की बस, वो हम लोगों जितने एक्सपर्ट नहीं थे। तैयार कभी भी। उत्तम महापुरुषों को पता होता है कि ये सारी यात्राएं अत्यंत उपयोगी है, लेकिन इन यात्राओं को करते करते एक समय ऐसा आना चाहिए कि व्यक्ति अंतर यात्रा पर पहुंच जाए। लेकिन फिर भी अपनी श्रद्धा भावना के कारण और लोगों के आग्रह पर उन्होंने एक बार तो यात्रा की। रमण महर्षि ने वो भी नहीं की, कभी नहीं की, कहीं गए ही नहीं, घर त्याग करके अरुणाचलम आए। भगवान महादेव में उन्होंने अपने पिता को देखा, बात समाप्त हो गई। उस स्थान को छोड़कर के आजीवन कहीं बाहर निकले ही नहीं, वहीं समाधि। भिन्न भिन्न संतों की जीवन चर्या क्यों सुननी चाहिए? यह इसलिए सुननी चाहिए कि इनमें अनेक बातें एक रूप होती है, अनेक बातें बहुत भिन्न भिन्न होती है। और इतनी सारी भिन्नता हमें इसलिए पता होनी चाहिए कि इसमें से मेरे लिए कौन सा रोल मॉडल ठीक है। हम लोग आजकल रेडीमेड कपड़े मिलते हैं,
पहले दर्जी के पास जाकर के सिलाने पड़ते थे। चलो दुकान में चले गए तो हम बहुत सारे वस्त्र देखते हैं, चुनते कौन सा है जो अपने शरीर के लिए फिट होगा और अपने को देखने में अच्छा लगेगा। इतने सारे संतों के अत्यंत विलक्षण जीवनों को देखते समय या तो हमें अपने लिए परिपूर्ण आदर्श कौन हो सकता है इसकी खोज करनी चाहिए, और नहीं हो सकता है तो किसमें से क्या ग्रहण करना, किसमें से क्या ग्रहण करना, ये तो भी हम लोगों को आना चाहिए। और किसमें से क्या ग्रहण करना ये कैसे सीखना, मैं भूल जाता हूं वो ग्रंथ यहां पर लाने के लिए, लेकिन संप्रदाय कुसुम मधु ये जो श्री गुलाबराव महाराज का ग्रंथ है, कहां कहां से क्या क्या लेना, कहां कहां से क्या क्या, साधक की दृष्टि ये होनी चाहिए। भगवत भक्ति तो सब संतों के पास आई, भक्ति सबकी समान होने पर भी प्रकृति सबकी समान नहीं होती है। भगवान गीता में इसीलिए अर्जुन से कहते हैं प्रकृतिस्त्वाम नियोक्षति, हरेक की प्रकृति अलग अलग है। रामकृष्ण देव एक ही बार गए यात्रा के लिए और हुआ क्या, काशी में नौका में बैठ करके सारे घाटों का दर्शन करने की पद्धति है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए भी नौकाओं का उपयोग बड़ा अच्छा होता है। मणिकर्णिका घाट समीप आ रहा था, नाव में ही ठाकुर एकदम खड़े हो गए। अब चलती नाव में कोई खड़ा होता नहीं है, उससे नाव का संतोष